बांदा में ट्रकों से अवैध वसूली करने और ओवरलोड ट्रकों को पास कराने के एवज में उगाही करने की शिकायत मिलने पर एसपी ने कड़ी कार्रवाई की। एसपी ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पूरी पुलिस चौकी को लाइन हाजिर कर दिया। एसपी शालिनी ने बताया कि एमपी के रास्ते ओवरलोड बालू ट्रक रोजाना मटौंद थाने की भूरागढ़ चौकी से निकल जाया करते थे। इस मामले में चौकी को कई बार चेताया गया, लेकिन इन पर न कोई कार्रवाई की गई और न ही चेतावनी का कोई असर हुआ। देखिए, वहाँ पे एमपी का क्षेत्र पड़ता है जहाँ से ओवरलोड ट्रकों के बहुत ज्यादा आने की शिकायतें थी। इनको कई बार कहा गया था कि इस पे नियंत्रण लगाइए, इस पे समय समय पे आप चेक करते रहिए और संबंधित विभाग जैसे एआरटीओ हुआ या राजस्व हुआ और तहसीलदार वगैरह या एसडीएम वगैरह, उनका सूचना भी दीजिए या इस तरह की कोई सूचना आती है, क्योंकि एकदम ऑन रोड पड़ता है। लेकिन इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और इनको चेताया भी गया था, उसके बावजूद कुछ सुधार नहीं होने के कारण पूरी चौकी को लाइन हाजिर किया गया है। आपको बता दें कि चौकी इंचार्ज सूबेदार सिंह सहित 6 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट।